हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अब सुबह सुबह मैं शावर ले ले, क्योंकि क्या है कि जल्दी जल्दी अपने रूटीन को स्टार्ट कर दूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। और अभी फिलहाल खाना खाते हैं, तो आज खाने में मम्मी ने बना दी है सुबह सुबह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आज खाने में क्या बनाया होगा हमारे लिए फेवरेट चावल। बैठ के धूप सेक रहे हैं, क्या हाल चाल, बढ़िया। क्या चल रहा है? बस फोग फोन देख रही हूँ। फोन चल रहा है। मैं निकली हुई है कड़ाकेदार धूप, मासी बाहर सामने खेतों में काम कर रहे हैं। तो अभी खाना खुना खा लिया और चावल बनाए हुए थे मम्मी ने कड़ी के साथ, मैं दिखा नहीं पाया। अभी फिलहाल मेरे को कुछ जरूरी काम है, थोड़ा सा मेरे को अपने एडवोकेट के पास जाना है अभी, तो कुछ काम ज़्यादा ही जरूरी पड़ गए, तो इसलिए जा रहा हूँ मैं अभी उनके पास। बाय डफी। धूप सेक रहा है ना, अभी ऊपर छोड़ा होगा थोड़ी देर के लिए, नीचे भी आ जाता है ऊपर भी रहता है। नीचे काम कर रहे हैं ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि काम भी करने होते हैं, और अगर बांध के रखेंगे ज़्यादा चाऊ चाऊ करेगा तो थोड़ा खुला भी छोड़ देते हैं ऊपर या नीचे, शरारती करता है ना, तो मिलजुल के ऐसे चलता रहता है। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने एडवोकेट के पास जाना है, कुछ ज़रूरी काम है उनसे मेरे को, तो फिलहाल निकल रहा हूँ। आज सैटरडे है और अच्छे से बात भी हो जाएगी क्योंकि फ्री होते हैं ना सैटरडे को, इतना काम नहीं होता। कोर्ट तो खुले होते हैं सैटरडे को भी, लेकिन एक अच्छा टाइम मिल जाता है बात करने के लिए। ये स्टार्ट होगी और रेगुलर जैसे मैं रखता ही हूँ तो डेली पानी रख देता हूँ, ये दोनों काम आ जाता है। कभी कभी टफी भी पी लेता है और पक्षी तो पी लेते हैं ना। एकदम से चेंज आ चुका है, धूप ना चुभनी स्टार्ट हो चुकी है सुबह सुबह। अभी सुबह का टाइम हुआ 9, आई थिंक 9:30 हुआ, तो मैं थोड़ा सा लेट उठा क्योंकि आज संडे है, तो फटाफट से छत पे आ गया पानी वगैरह रखने के लिए। और छत पे ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, हम डेली आते हैं और आपको भी हमारे सुबह सुबह छत का व्यू अच्छा लगता है, खुला डुला है ना। दिल्ली और यहाँ में कितना मतलब डिफरेंस है ना, खुला आसमान मिलता है, आसपास हरियाली मिलती है, इधर तो हमारे एक जैसे मतलब कि दरिया नहीं मिलता, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में सी व्यू मिलता है, तो हमारा सी व्यू बिल्कुल सामने है। सी तो नहीं है, दरिया व्यू जरूर है, वो सामने है, लेकिन अभी वेदर साफ होगा ना तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि हल्की हल्की फोग है वहाँ पर और इधर भी फोग है, तो इधर हमें मिल जाते हैं पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ देखने के लिए, एक अच्छा व्यू मिल जाता है हमें देखने के लिए। शायद इसी वजह से आप हमारे इस एरिया को पसंद भी करते हो, एक कैसा अच्छा माहौल मिलता है। और बहुत टाइम हो गया जब मैं आता हूँ ना छत पे, मेरे को वो सामने छोटी भी जो मंदिर है, आई थिंक गोप्रो में शायद नहीं दिखाई देगा, तो अगर दिख रहा है तो बताना, क्योंकि मेरे को यहाँ डिस्प्ले पे नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ पे जाऊँगा, बहुत बढ़िया व्यू है वहाँ पे। और फिलहाल छत पे आए तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि सुबह मेरा क्या रूटीन रहता है कि मैं जब भी सुबह छत पे आता हूँ या फिर सुबह उठता हूँ टाइमली है ना, तो एक बार बॉडी को जरूर मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ ताकि ना सारा दिन मेरा अच्छे से निकल जाए। चलिए फिलहाल ज़्यादा पतला ना करते हुए करते हैं। तो क्या है कि टफी मेरे को करने नहीं दे रहा क्योंकि डर लगता है एकदम से ऊपर आके अटैक कर देता है। टफी चल, बहुत घूम लिया, इधर पानी तेरा पीने के लिए, फिर भी तेरे को नीचे वाला पानी पीना है, कम कम के ना। 4:30 हो चुके हैं, सनलाइट बहुत तेज है इधर आके पता चल जाता है, और आज शाम के समय ना हमारी चाय नहीं बन रही, आज बन रही है हमारी गर्मा गर्म दूध उबलाई, और तो यहाँ की हो रही है हमारी कॉफ़ी का पेस्ट बन रहा है, कॉफ़ी बन रही है आज, चाय नहीं बनेगी। और हमारे पास आ गए हैं कंचन जी और पंकज जी और अनवित, और फिलहाल आज हमें ना एक फंक्शन में जाना है, वो शायद इस वीडियो में भी आ सकता है या नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, हमें एक फैमिली फंक्शन है वहाँ पे जाना है। एक्चुअली फैमिली फंक्शन में बता ही नहीं, हमें एक बर्थडे सेलिब्रेशन पे जाना है किसी के मामा जी के बेटे के बेटे की ना, तो वहाँ पे जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ना टफी को अभी लस्सी देते, क्योंकि अभी ना मौसम में चेंज आ चुका है और हम इसको अभी लस्सी देना स्टार्ट कर देते हैं। मम्मी रेडी? फिलहाल मम्मी की वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी रेडी हो जाए, और हम तो रेडी हो ही चुके हैं फटाफट से, क्योंकि आज हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको बता दें। कल मैं अपना वीडियो नहीं, पहले तो ये बात करते हुए तो शूट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ जरूरी काम में थोड़ा सा बिजी था, और फिलहाल आज है हमें एक फैमिली फंक्शन तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो फिलहाल मम्मी रेडी हो रहे हैं, हम मम्मी को बोला कि मम्मी आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाए क्योंकि हमें 6 बजे से पहले पहले जाना, अभी जो फिलहाल टाइम हुआ 5:30 हुआ, और आज हमने सामने देख सकते हो है ना। अभी मेरे को पता क्या लग रहा है कि डे लाइट ना बढ़ गई है ना, दिन बढ़ गए ना मम्मी, तभी मैंने देखा यार 4:30 बजे के अप्रोक्सीमेट टाइम होता था तब हम चाय बनाते हैं, 4-4:30 बजे के बीच, मतलब कि काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा अंधेरा हो जाता, बट अभी क्या है कि काफ़ी वो है रोशनी, तो दिन बढ़ गया है शायद है ना। बाकी कंफर्मेशन हमें कभी भी कोई बात पूछनी होती है जाननी होती है तो सीधे मम्मी को आवाज़ लगाते, मम्मी ऐसा है कुछ ऐसा है, तो मम्मी बता देते हैं। और कभी कभी मैं नर्वस होता हूँ, कभी कभी मैं डाउन चला जाता हूँ ना, तो मेरी जो रियल इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देते हैं ना वो मम्मी है,
तो मम्मी मेरे को समझाते हैं कि भाई क्या, फिर मैं सोचता हूँ यार मैं तो उनकी एज से आधा हूँ, है ना, तो मेरे से ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग तो वो है ना, जो मेरे को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, खुद भी स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, मेरे को गिरने नहीं देते जब भी होता है, कि मैं कभी डाउन चला जाता हूँ, कभी सोचना स्टार्ट कर देता हूँ तो रियल इंस्पिरेशन लेनी होती है, तो मेरे को तो मैं अपनी मदर के पास चला जाता हूँ और अच्छी मोटिवेशन देते हैं, कोई बात नहीं सब अच्छा होगा, और अच्छा लगता है। फिर मेरे को ये होता है कि अगर मेरी माँ मेरे को ऐसे बोल रही है, क्योंकि मेरे को तो उनकी फिक्र होती है ये मेरी वजह से वो ना डाउन होते हैं, लेकिन वो मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो अच्छा लगता है, नहीं यार सही है, कभी भी डाउन होता है ना तो मम्मी मेरी हेल्प करते हैं वहाँ पे, रियल इंस्पिरेशन मेरे लिए और एक अच्छी मोटिवेशन देते हैं, मैं मोटिवेट होता हूँ ना तो उनको देख के, उनके लाइफ के स्ट्रगल को देख के, उनकी बातों को सुन के, जब वो मेरे को मोटिवेट करते हैं। कल परसों पता नहीं कोई बात हुई थी, ऐसे डिस्कशन कर रहा था, कह रहे कि इग्नोर कर इन चीज़ों को, आगे बढ़, सोच समझ ज़्यादा, बल्कि इसमें मत कर, हमारी कुछ अपनी बातें हैं जहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और कुछ गलत मन लेके जाना कि उसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, कुछ कभी कभी मैं डाउन हो जाता हूँ सोचने लग पड़ता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि सब अच्छा होगा। और फिलहाल सामने हम मौसम देखते हैं तो बहुत बढ़िया हो चुका है, और आज बादल भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, और सनसेट हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है बादल मेरे को। तो फिलहाल हम ज़्यादा बातें ना करते हुए निकलते हैं, तो आज अंकुश जी ने, आपके अंकुश ने, अंकुश जी ने, कोदी जी बोल रहा हूँ, अरे जी से याद आया एक मेरे को, एक इंसिडेंट और सुनाते हैं, किस्सा मेरे को आता है ना, एक टाइम था, यहाँ बैठ के सुनाते हैं, तो नहीं कि आप यहाँ पे बैठिए, हम आपके साथ गॉसिप वगैरह करते रहते हैं ना। एक टाइम था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता होता था, मैंने इकोनॉमिक्स रखा हुआ था अपने सब्जेक्ट में, तो मेरे साथ वहाँ पे एक सर होते थे हमारे, कुलदीप सर, तो जलंधर में मैं पढ़ा हूँ, तो ना पता क्या हो, हमने बंक मारना था, बंक मारना समझते हो ना, स्कूल टाइम में बंक मारना था, मैंने ऑफ लेना था, तो मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन लिखी, ऐसे ऐसे अर्जेंट वर्क है मेरे को, ऐसे हाफ टाइम में दे दो, तो नीचे साइन किए मैंने, पापा के होने थे ना पेरेंट्स के साइन, तो मैंने वहाँ पे साइन कर दिए पापा के, है ना, देखे तो नहीं थे, और साइन में क्या किया मैंने, पापा के नाम लिखे श्रीमान रामकृष्ण जी, तो चले गए वहाँ पे। अभी आपने बहुत से लोगों ने पकड़ ली होगी यहाँ पे गलती, बहुत से लोगों ने नहीं पकड़ी, तो मैंने दिखाया ये देखिए एप्लीकेशन, मेरे को छुट्टी जाना है ऐसे घर पे कुछ काम है, कि हाँ तो ठीक है, बहुत ज़रूरी काम है तेरे को, तो मेरे को उन्होंने बैठाया और एक फेंका मेरे कान के नीचे, मैंने कहा क्या हुआ ये एप्लीकेशन दी हुई है, कहता तू पकड़ा गया, मैंने कहा कैसे, अपने नाम के साथ श्रीमान जी कौन लगाता है सिग्नेचर के टाइम, तो बस वहाँ पे पकड़ा गया था मैं। तो ये याद आया, ये किस्सा मेरे को क्यों एकदम से याद है, क्यों मैंने बात की भूल गया मैं, क्योंकि थोड़ा सा भुलक्कड़ हो चुका हूँ, और बहुत से लोग बोलते हैं अंकुश आपका फेस डाउन हो चुका है या ऐसे वैसे, तो सच बात बताऊँ मैं काफ़ी वीक हो चुका हूँ, काफ़ी मेरी जो हेल्थ है वो डाउन हो चुकी है, मैं डाइटिंग पे नहीं हूँ, बट बिना डाइटिंग किए हुए मैं स्लिम हुआ हूँ, ये कुछ लाइफ में स्ट्रेस होते हैं ना, ये बहुत बल्कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती डाइटिंग की, बिना डाइट किए हुए ना आप हो जाओगे, लेकिन फिर भी ठीक है, इम्प्रूव किया हुआ मैंने अपने आप को, सही हूँ, प्रॉपर टाइम पे उठता हूँ, थोड़ा एक डेढ़ घंटा लेट, अच्छा खाना खाता हूँ, घर का खाना, कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं, हाँ जूस वगैरह अगर से बाहर कभी पी लिया, और जो घर का हमारा हेल्दी खाना होता है वही खाता हूँ, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और इन सभी चीज़ों से अपने माइंड के स्ट्रेस से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है, आप प्रॉपर नींद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रात को लेट आ रही तो सुबह 2 घंटे लेट उठो, और कभी भी मम्मी ने मेरे को नहीं उठाया, और बस ये था, अब कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, क्योंकि अपनी जो लाइफ की जो ऐसी घिसी पिसी बातें हैं तो इन्हें बता बता के हम आपको भी बोर नहीं करना चाह रहे, चलें हमें रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो हमें सुबह भी चले जाना था, लेकिन क्या हुआ था, हमें ना यहाँ पे घर के पास एक मंदिर है हमारे नज़दीक, प्राचीन शिव मंदिर, तो वहाँ पे किसी ने भंडारा करवाया हुआ था हमारे किसी खास ने, तो वहाँ पे जाना था, इसलिए हमें 2 फंक्शन आज की डेट में अटेंड करने थे, और कंचन भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको आए हुए थे और उनको भी इनविटेशन था, तो वो भी चले गए क्योंकि उनको उधर से जाना है रेडी होके, तो वो इधर से नहीं, वो कह रहे कि मेरे को फटाफट से निकलना है, मेरे को अपने घर से रेडी होना है, तो वहाँ से निकलेगी वो, तो फिलहाल हम तो रेडी हो चुके हैं, हमारे साथ देखते हैं कौन कौन जाते हैं, मैं मम्मी जी, और मम्मी जी ने तो आज क्या ही बात बोली कि ब्लेजर पहन लिया, दिखाओ बाहर आओ, नहीं
दिखाओ, सही है, सही लग रहा है। ऐसे करूंगा तो स्वेटर पहनना नहीं था। नहीं सही है, अच्छा लग रहा। हाँ स्वेटर भी रख लो। स्वेटर लेने करी है मुझे। सही है वैसे, पता क्या है फंक्शन में। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। सही है, चली लगता हूँ। मम्मी कह रहे चले, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहन रहे हैं ना। ये स्वेटर पहनना नहीं था। नहीं स्वेटर भी ले चलो, आपको जैसे मतलब पहले अपनी फ्रेंड्स को दिखा रहा, मैं अच्छी लग रही हूँ तो मतलब अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है। स्वेटर भी लेना नहीं है। स्वेटर भी साथ में उठा लो, एक तो जैकेट भी थी आप वो भी पहन सकते थे। मैं रेडी हो चुका हूँ, कब से मम्मी को बोल रहे जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ, लेकिन इतना टाइम लगा दिया। रात के ना 2:03 हो चुके हैं और हम फंक्शन से वापस आ चुके हैं और मम्मी मेरे वहीं पे हैं, क्योंकि आज फैमिली फंक्शन था, सारे रिलेटिव्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो बस हम घर पे आ चुके हैं। और एक्चुअली मेरे साथ कज़न है, अभी मैगी बन रही है फिलहाल। जस्ट जोक करके आया हूँ मैं आज, बहुत टाइम बाद मेरे को ये टाइम लगा है ना माता जी के आगे जोत जलाने का। एक्चुअली पता क्या होता था, मम्मी सुबह सुबह कर देते थे और आज हमारे जो मम्मी है ना वो हमारे घर पे नहीं है, मतलब अपने घर पे नहीं है, वो मामा जी के घर पे हैं, क्योंकि कल फैमिली फंक्शन था, मैंने आपको बता दिया, सौरभ के बेटे का बर्थडे था तो वहाँ पे सारे मतलब गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो उनके पास रुक गए थे, लेकिन मेरे को रात को आना पड़ा क्योंकि आपको पता ही है टफी था, तो हम शाम के टाइम गए थे यहाँ से, 2-3 घंटे बाद मैं आ गया था। फिर रात को बस मैगी वगैरह बनाया मैंने यहीं पर, और नहीं 6 बजे गया था मैं, और 10:30-10:30 बजे तक मैं आ गया था वापस, वही 3-4 घंटे। और तब तक मतलब उसको खाना वगैरह घर पे दे दिया था हमने, ऐसा नहीं कि उसकी केयर नहीं की, क्योंकि नीचे भाभी जी नहीं गए थे और भैया नहीं गए थे, उनके मम्मी जी गए थे तो उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपने इसको संभालना। लेकिन फिर भी क्या है कि घर पर तो आना है, वो रहा हमारे घर में और खाना वगैरह दे दिया था इसको, फिर रात को मेरे को आना पड़ा क्योंकि सुबह भी खाना देता उसको देना होता है, डाइट है ना खाना, तो मैंने सुबह सुबह उसको 7-8 बजे खाना दे दिया था। तो अभी फिलहाल टाइम है तो 9:30 बजे का, और मैं भी अभी नहा के फ्री हूँ, और बाहर जो मौसम है बहुत बढ़िया हो रखा है। एक्चुअली मौसम की बात हमेशा कर देते हैं हम अपने ब्लॉग में है ना, क्योंकि ना एक तो बारिश हो रही थी, बहुत बढ़िया मौसम, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से लग रहा है सामने बादल और ये सामने व्यू, और हल्की हल्की बारिश भी हुई है, और टफी आराम से बैठा हुआ है इस माउंटी पे आज, क्योंकि बाहर ठंड है ना, तो आराम से बैठा हुआ अपने बिस्तर पे यहाँ पे, तो नीचे नहीं आया। और मेरे साथ यहाँ पे कज़न आया था रात मेरे साथ आके, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और मे भी मैंने उसको पूछा कि अगर आपको टफी चाहिए, और टफी पसंद है उसको, तो टफी के लिए आए थे कि कह रहे कि ले जाएंगे हम इसको, तभी देखते हैं अगर ले जाना हुआ इसको तो ले जाए, क्योंकि इसने डॉग्स वगैरह बहुत रखे हुए थे घर पे, तो काफ़ी मतलब कि तजुर्बा भी है, तजुर्बा बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, तो वो भी है तो रख लेगा, क्योंकि इसके पास दूसरा वाला था, वो कौन सा होता है रोड पिलर जो लंबे लंबे कान वाला होता है, वो वाला था, और लेब्रा भी रखा हुआ है इन्होंने, उसका नाम होता था क्या नाम होता है साइमन, यस, बट वो भी नहीं है, 10-12 साल तक 13 साल तक रहा था, फिर उसके बाद एक्सपायर हो गया था, एक वो अटैचमेंट जुड़ जाती है ना डॉग्स के साथ, तो वो बस वो था, तो फिर ये भी लेबरा कह रहा कि नहीं अच्छा है डॉग तुम्हारा, और मैंने कहा ले जाओ ले जाओ, क्योंकि मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है वो तरह तरह की बातें होती है, फिर कोई बात नहीं देखते हैं तो हमारी फैमिली में जाएगा, अगर लेके जाना हो ठीक है, नहीं तो हमारे पास तो है ही है ना, फिर ऐसा होता है कि चलो फैमिली मेम्बर के पास ही गया कि अच्छे से केयर हो जाएगी, नहीं तो फिर भी क्या होता है कि हम किसी थर्ड पर्सन को दें तो दिल दुख दुख करता है। हम देने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ना कभी कभी मेरे को भी लगता है, मम्मी भी जैसे घर में बीमार रहते हैं काम बढ़ जाता है ना, वह आप लोग पहले भी बोलते थे, क्योंकि मैं डॉग रखने की बात आज से नहीं, आज तो मैंने किया है, अभी किया है, रखा है हमने, मैं तो मतलब कि 1.5 साल 2 साल हो गया मेरे को बात करते हुए कि मैं डॉग रखूँगा, तब आप लोग उस वक्त मेरे को मना करते होते थे कि अभी मत रखो, अभी बाद में रख लेना या ऐसे वैसे, लेकिन अभी चलो था टाइम, एक क्या कि बंदा अकेला बैठा बैठा भी बोर हो जाता है तो उसका मन लगाने के लिए, तो नो डाउट कि मन तो अच्छे से लगाया हुआ है हमारा, बट क्या है कि थोड़ा सा जैसे मेरे को बाहर जाना होता है और मम्मी भी बीमार रहते हैं तो फिर एक कहते हैं ना बॉन्ड हो जाता है बंदा, तो उसको ना चाहते हुए भी ना कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं, हम कहीं जाने से पहले सोचते हैं यार इसका क्या होगा, क्योंकि हम अपने से ज़्यादा तो इसका फिक्र करते हैं,
तुझे ये चीज़ें हो जाती है, ये तो है ही है ना, मौसम का आनंद लो यहाँ से। बढ़िया, तो फिलहाल ना ऐसे मौसम में क्या हो जाए, गर्मा गर्म चाय है ना। तो चाय आज आपके हम कुछ बनाएंगे, दो कप, एक अपने लिए एक कज़न के लिए। अभी लेट रहा है, सो रहा है वो, खूब मज़े से।